चावल दाल और सब्जी वो इतना सा खाते हैं, लेकिन वो अपना सगा औलाद नहीं देता है। जब खाना उनको मिलता है उसको लगता है कि मेरा पास पूरा जहान आ गया है। वो जैसे खाते, कोई खा भी नहीं पाते, हम खिला देते हैं। तो औलाद अपना माँ बाप को खाना नहीं देगा, एक कौन सा ही है। जैसे मैं उन लोगों के पास पहुँचता हूँ खाना ले कर, हम जाके बोलते हैं आ गए मम्मी पापा आ गए, वो ऐसे से कांप जाते हैं कि मेरा खाना आ गया। 76 किलो चावल बनता है और दाल बनता है करीब 40 किलो हर रोज का। और पार्सल लेके कलकत्ता का गली गली में, घर घर में, जहाँ पे माँ बाप खाना नहीं मिलता है वही माँ बाप को मैं खाना बोलता हूँ। तो वो लोग इंतज़ार में रहते हैं कि देव कुमार कब आएगा। कभी कभी हम उनके संग टाइम स्पेंड करें ना करें, वो लोग हमको बैठा देते हैं, दोनों हाथ देखे माथे पे दे देते हैं, गला में ले लेते हैं। कोई भी ऐसे ऐसे मांग नहीं लेता कि थोड़ा सा बेटा हमको दही खाना है। मेरा अपना मम्मी पापा को मैं हरा चुका हूँ, लेकिन उनका जो मन का आशा है मैं वो पूरा करने के 100% चेष्टा करता हूँ। अभी तक मेरा पास 486 माँ बाप है, वो 486 का मैं ही औलाद हूँ, मैं एक ही औलाद उन लोगों का हूँ। एक आदमी का खड़ा कमाई से 500 से ज़्यादा आदमी को कैसे खाना दे पाऊँगा मैं अकेला, हमसे नहीं होता। इसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए और मदद चाहिए। अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, मैं और ऐसे माँ बाप का पास खाना लेके पहुँच पाऊँगा।